किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और नंबर टू सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक चलते हुए कारोबार को खरीदने के फायदे या नुकसान क्या हो सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि कंसिडरेशन क्या हैं चलता हुआ कारोबार खरीदना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है जब भी आप कोई चलता हुआ कारोबार खरीदते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल आप जो बिजनेस बाय करने लगे हैं क्या आपको उस बिजनेस के अंदर कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है क्या आप इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हैं प्लस क्या जो बिजनेस आप बाय करने लगे हैं उस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल है कि वो आपको प्रॉफिट दे या वो एक्सपैंड हो सके या एटलीस्ट कम अज कम जितना प्रॉफिट वो पहले अर्न कर रहा है उतना ही प्रॉफिट वो आपको भी दे सके फिर उसके बाद वो बिज़नेस किस मार्केट में है किस इंडस्ट्री में है और उनके कस्टमर्स कौन हैं क्या आप अच्छे तरीके से समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आपने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करना है आपको उसकी पेमेंट किस तरह से करनी है कहीं वो आपसे कैश पेमेंट तो नहीं मांग रहा कहीं वो आपसे कोई और अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा फिर उसके बाद क्या जो आप बिजनेस बाय करने लगे हैं उसके ऊपर पहले से कोई लाइबिलिटी कोई कर्जा कोई अकाउंट पेएबल तो नहीं है या उनके अकाउंट रिसीवेबल की लिस्ट इतनी ज्यादा तो नहीं है कि उन्होंने हद से ज्यादा चीजें क्रेडिट के ऊपर सेल तो नहीं की हुई फिर अगर मिसाल के तौर पर आप पहले से ही एक ऑन्टरप्रन हैं और आपका ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है और आप किसी और दूसरे बिजनेस में जाना चाहते हैं यानी आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बेकरी का बिजनेस करते हैं और कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जो बिक रहा है क्या आप जो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने लगे हैं वो जस्टिफाइड है क्या ये दोनों बिज़नेसेस आप इसमें एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं क्या ये रिलेटेड हैं क्या वो जो बिजनेस मॉडल है जिसको आप परचेज करने लगे हैं वो सस्टेनेबल है वो चल सकता है ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं फॉल्टी था या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप बिजनेस बाय कर रहे हैं वो ऑब्वियसली एक चलता हुआ कारोबार है उसकी एक मार्केट गुडविल होगी उसका एक ब्रांड इमेज होगा क्या वो गुडविल इतनी अच्छी है वो ब्रांड इमेज इतना अच्छा है कि आपको बाय करना चाहिए ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन हैं जब आप कोई बिजनेस बाय करते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करने के एडवांटेजेस भी बहुत हैं डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं इसलिए जो भी फैसला आपने करना है बहुत एहतियात से करना है हम पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं सबसे आसान सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो ये कि अगर आप एक चलता हुआ कारोबार परचेज कर रहे हैं बाय कर रहे हैं तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि वो आगे भी कारोबार कामयाब ही रहेगा यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि अ सक्सेसफुल एग्जिस्टिंग बिजनेस मे कॉन्टिन्यू टू बी सक्सेसफुल हम ये उम्मीद रख सकते हैं फिर उसके बाद हो सकता है कि आपने जो बिजनेस बाय किया है वो ऑलरेडी किसी बेस्ट लोकेशन के ऊपर हो उसके एम्प्लॉयज भी ऑलरेडी काम कर रहे होंगे और हो सकता है ट्रेंड भी हो हो सकता है उनके सप्लायर्स भी बहुत अच्छे हों फिर उसके बाद आपको नया इक्विपमेंट नहीं परचेज़ करना पड़ता खासतौर पर अगर अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट परचेज कर रहे हैं इक्विपमेंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है आपको प्रोडक्शन क्वालिटी ऑलरेडी मालूम होती है क्योंकि प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रही होती है इसी तरह हो सकता है जब आप बिजनेस बाय कर रहे हो तो इन्वेंट्री भी आपके पास मौजूद हो इन्वेंट्री सिस्टम भी ऑलरेडी बने हों आपको मालूम हो कि आपके गुडॉन्स के अंदर कितना इन्वेंट्री रह, कितनी इन्वेंट्री रह जाएगी जिसके बाद आपने नई इन्वेंट्री का ऑर्डर प्लेस करना है सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय कर रहे होंगे तो उसकी ऑनर और आपके दरम्यान में ऑब्वियसली जितने भी अरसे एक इंटरेक्शन रहेगी आपकी एक अच्छी रेपुटेशन भी डेवलप हो जाती है और आप प्रीवियस ऑनर का जो एक्सपीरियंस है उससे बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं आपका टाइम सेव होता है आपकी एनर्जी सेव होती है आपकी कॉस्ट सेव होती है जो तमाम की तमाम चीज़ें आपको एक नया कारोबार करने में लगानी पड़ती हैं क्योंकि नया कारोबार खड़ा करने में ऑब्वियसली आपका टाइम आपकी एनर्जीज़, आपकी कॉस्ट सभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं और सबसे बड़ी बात आप कस्टमर्स को ऑलरेडी आपकी कस्टमर बेस ऑलरेडी डेवलप है और आप उम्मीद रखते हैं कि जो आपने एग्जिस्टिंग बिज़नेस बाय किया है वो आपका एक बेहतरीन फैसला होगा और आप बहुत सी हैसल से बच जाएंगे लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करना जितना आसान बाहिर नज़र आता है कि चलता हुआ कारोबार ख़रीद लें उतना ही मुश्किल भी होता है उसके डिसएडवान्टेजस भी होते हैं जिसमें से सबसे पहला रिस्क जो है दैट इज़ कि हो सकता है बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल ना हो जितना बुक्स में शो हो रहा हो इट्स ऑलरेडी अ लूजर का मतलब ये है कि हो सकता है कि uh, जो बुक्स है अकाउंट्स की उसमें प्रॉफिट्स शो रहे हो रहे हो उसमें शो हो रहा हो कि बहुत से भी अकाउंट रिसीवेबल्स हैं और बहुत अच्छी हेल्थ है एक बिजनेस की वेयर एज सिचुएशन कुड बी वेरी डिफरेंट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है कि वो बिज़नेस अभी बहुत अरसा उसको ना हुआ हो चलते हुए तो जो बिज़नेस मॉडल हो बेसिकली वही फॉल्टी हो हो सकता है उसकी डिलीवरी सिस्टम्स अच्छे ना हो हो सकता है उसका इन्वेंट्री सिस्टम अच्छा ना हो हो सकता है सप्लायर्स के साथ उनकी जो कम्युनिकेशन के तरीक़ेकार हैं वो बेहतर ना हो सो so, मॉडल भी फॉल्टी हो सकता है फिर उसके बाद ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप एक जो चलता हुआ कारोबार खरीद रहे हैं वो जिस जगह पर है वो लोकेशन भी आपको पसंद है हो सकता है वो लोकेशन आपके लिए सेटिसफैक्ट्री ना हो हो सकता है वो लोकेशन आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर हो आपके शहर से बहुत ज़्यादा दूर हो वो लोकेशन सप्लायर से बहुत ज़्यादा दूर हो या कस्टमर से बहुत ज़्यादा दूर हो और आपको लोकेशन पसंद ना आ रही हो लोकेशन की वजह से हो सकता है आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हों फिर जो आपने इक्विपमेंट परचेज किया है या आपके पास जो इन्वेंट्री मौजूद है हो सकता है वो ही वो भी ऑप्सलीट हो आपका एक बिजनेस था एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था चले लेट अस सपोज़ उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर कोई कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही थी और आप बहुत खुश थे और पता ये चला कि आपकी कंपेटर्स ने आ, एक ज़्यादा बेहतर एक ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो इम्पोर्ट कर ली है मशीन्स और अब उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी प्रोडक्ट की आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी से बहुत बेहतर हो गई है यहाँ जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी जिसकी प्राइस uh, जिसकी वैल्यू बुक में बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी वो वैल्यू बहुत कम थी बेसिकली इन्वेंट्री भी ऑप्सलीट थी सो so, इसके भी चांसेस हैं बैंक करपसी के चांसेस हो सकते हैं आपने एक बिजनेस लिया और बिजनेस की बुक्स में आपको नज़र आया कि कोई लाइबिलिटी नहीं है और एक दो महीनों के बाद पता चला कि बिजनेस ने अभी तो बहुत से लोन पे ऑफ करने हैं फाइनेंशियल असमेंट बहुत क्रिटिकल होती है वेन यू आर बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस फाइनेंशियल असेसमेंट के बहुत से तरीके होते हैं बैलेंस शीट टेक्निक्स हैं आप उनकी कैश इनफ्लो आउटफ्लो देखते हैं आप उसकी अर्निंग देखते हैं uh, लेकिन फाइनेंशियल असेसमेंट बेसिकली आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं आप उसके ऊपर वहाँ से आप आइडिया ले रहे होते हैं सो so, हो सकता है ये सब कुछ विंडो ड्रेसिंग हुआ हो यानी फेस वैल्यू के ऊपर बहुत सी चीज़ें फोर्ज की गई हुई हों सो so, ये बहुत एक क्रिटिकल मैटर होता है जब आप किसी भी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस की फाइनेंशियल असेसमेंट कर रहे होते हैं सो इसमें चांसेस होते हैं कि आप ओवर प्राइस बिजनेस परचेस कर लेते हैं और एट दी एंड आपको ये पता चलता है कि बाइंग अ सर्टन बिजनेस इज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल सबसे आखिर में अगर अगेन आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को ऑलरेडी डील कर रहे हैं और आपने एक और एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय किया है अब उसकी भी एक गुडविल है उसका भी एक रेपुटेशन है हमने बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनी बहुत सी ऐसी केस स्टडीज़ हमने पढ़ी हैं कि जिसमें जब हम किसी ऑनटरप्रन ने एक नया बिजनेस बाय किया चलता हुआ कारोबार बाय किया और उसकी बैड रेपुटेशन बैड मार्केट और उसकी बैड ब्रांड इमेज की वजह से जो उसका कोर बिज़नेस था उसका कोर ब्रांड था उसकी कोर गुडविल थी वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई कहने का मकसद ये आ जाता है कि क्या एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करना बहुत आसान है आंसर इज सिंपली नो आपको उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व होती है आपके लीगल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं बाजात आप बुक ऑफ अकाउंट्स लेते हैं और आपको मालूम ये चलता है कि बहुत से इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ही मिसिंग हैं सबसे ज्यादा क्रिटिकल आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस जब बाय कर रहे हैं तो उसका जो प्रीवियस ऑनर है उसके पास बिज़नेस के सारे सीक्रेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं सप्लायर्स के साथ उनके कॉन्टेक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं अगर वो आपको बिज़नेस जो है वो बेचने के बाद कोई और बिज़नेस करता है और वो सिमिलर नेचर का है तो वो आपके सीक्रेट्स ऑलरेडी जानता है एम्प्लॉयज़ की भी लॉयल्टी हो सकती है अपने प्रीवियस ओनर uh, के साथ हो सकता है आप बहुत खुश हों कि आपने एक नया बिज़नेस बाय किया है और उसके इम्प्लॉयज़ बहुत ट्रेंड हैं और आप जब टेक ओवर करें उस बिजनेस को तो आपके बहुत से स्किल्ड लेबर जिस पर आप रिलाई कर रहे थे वो रिज़ाइन करके चले जाएं और ख़ास तौर पे अगर आप कोई ऐसा बिजनेस बाय कर रहे हैं जो पार्टनरशिप बेस्ड बिजनेस है तो उसमें भी बहुत सी केस स्टडीज सामने आई हैं कि पार्टनर्स के आपस में जो तो कॉन्फ्लिक्ट रिफ्ट थे उसकी वजह से एक एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करना बहुत मुश्किल हो गया उसकी जो uh, चीजें uh, जिसे कहते हैं ना ओनरशिप जो ट्रांसफर थी और जो रिकॉर्ड्स ट्रांसफर थे और बहुत सी चीजें जो ट्रांजेक्शन थी वो सारी वो कॉम्प्लिकेट हो गई इन शॉर्ट द क्वेश्चन इज क्या एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करना इज दैट अ वाइज डिसीजन इज इट टू रिस्की इज इट फिजिबल इज दैट इजी द आंसर इज अगेन सिंपली नो एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करना उतना ही रिस्की होता है जितना रिस्की एक नया वेंचर क्रिएट करना होता है आपने अपनी असेसमेंट करनी है कि आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करके ऑन्टरप्रन्योर बनना चाहते हैं या नहीं इट्स अप टू यू नेक्स्ट वीडियो में एक नया तरीका ढूंढते हैं ऑन्टप्रन्योर बनने का